ହେଉଥିବା ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ପପୁଲାର ଆକ୍ଟର ଗୁଲଶନ ଗ୍ରୋଭର, ବରୁଣ ଶର୍ମା ଓ ସତୀଶ କୌଶିକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଥିବା କାମବାଲି, କ୍ଷୀରବାଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ମାଳି ଆଦି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତୋ ଇସ୍ ପ୍ରୟାସ ମେ ଶଶି ରଞ୍ଜନ ୟେ ମୁଝେ ବତାୟା କେ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିଜ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ कि वो काम करने वाले सभी वर्कर, घर के एम्प्लॉयज़, ड्राइवर्स, माली, गार्डनर्स, यू नो धोबी, दूध वाला, वॉचमैन, इन सब की वैक्सीनेशन तो करवाएं, उसके साथ साथ जो उसमें पैसे खर्च हो वो सोसाइटीज़ दें। तो मैं इस बात का बहुत सराहना करता हूँ। थैंक यू। आउ सेमनंगु एही समूह टीकाकरण अभियान रे शामिल करि परिले सेमनंगो परिवार सुस्थ रे रहि परिबे ओ ता सह ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଫୁକ୍ରେ ଫେମ୍ ବରୁଣ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମୂହ ଟିକାକରଣରେ ଏହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। आई थिंक वैक्सीनेशन कराने की जो महाम अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन कराना, हम सबको पता ही है। एंड आई थिंक कि जो पैंडमिक है ये अभी भी चल रहा है, एंड जिस तरह से सेकेंड वेव ने कितना मतलब डराया है लोगों को, कितने लोग इससे जूझे हैं, जो पूरी की पूरी चीज़ हुई है, तो आई थिंक वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ବରୁଣ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ଫିଲ୍ମ କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର କରୋ, ଫୁକ୍ରେ, ଦିଲୱାଲେ, ଛିଛୋରେ, ଫୁକ୍ରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଓ କରେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ରୁହି ଭଳି ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସତୀଶ କୌଶିକ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଧନ୍ୟମନେ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା ଭୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। वैक्सीनेशन करवाना एक बहुत ज़रूरी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बिकॉज कोरोना से लड़ने के लिए हम अपने घर में रह लिए, हमारा काम बंद हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हम कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहे, हमारी जो गतिविधियां थी वो सब बंद हो गई, लेकिन हम जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, जिस दुख से गुजरे हैं, उसका समाधान जो है वो है ये वैक्सीन, कि वैक्सीन लगवाना जो है वो बहुत अनिवार्य है। हम किसी से कम नहीं, बागी 3, डबल धमाल, दीवाना मस्ताना ओ साजन चले ससुराल भली कमर्शियल हिट नंबर रे अभिनय करिबा सह अनेक सुपरहिट फिल्म रे निर्देशना ओ कहानी रचना मध्य करिछन्ति। से टीकाकरण को नै एक गीत मध्य गाइछन्ति जहां खूब शीघ्र रिलीज हेबो बोली सांबादिक मन को सूचना दैछन्ति। देखिएगा कि वैक्सीन जो है ये हमारा मैसेज, हम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन गाँव में लोग अभी भी डर रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है पता नहीं क्या करेगी, तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बल्कि मैंने तो बहुत जल्द मैंने अपने एक गाना गाया है और वैक्सीनेशन लगवाने का गाना गाया है जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, तो वो वैक्सीन का गाना इसलिए है कि गांव-गांव तक, हमारे चप्पे चप्पे तक, छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे कि वैक्सीन लगवाना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ଏହି ସବୁ ବଲିଉଡ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର 55ଟି ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଥିବା 700 ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତୀଶ। और मैं अपना शशि रंजन जी का और यारी रोड बचाओ समिति का और गुलशन जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा काम हुआ और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बड़े प्राउड हैं कि हमारी यारी रोड समिति जो है वो बहुत काम करती है और बहुत इतने ज़बरदस्त गार्डन्स हैं हमारे यहाँ पर, इतने ज़बरदस्त यहाँ पे रोड्स हैं हमारे पे, पाम ट्रीज हैं यहाँ पर, और जब भी ऐसी कोई दुविधा आती है तो यारी रोड बचाओ समिति है, जो यारी रोड रेजिडेंट एसोसिएशन है, वो हमेशा तत्पर तैयार रहती है। थैंक यू वेरी मच। वैक्सीन हर आदमी को लगाना बहुत आवश्यक है।